भ्रष्टाचार से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लोकायुक्त की टीम द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर पटवारी ने रिश्वत के सारे नोट निकल लिए। टीम ने पटवारी से चबाए हुए नोट निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो टीम ने अस्पताल लाकर नोट निकलवाए। ये मामला कटनी का है, जहां बेलहरी हल्का गांव में पदस्थ पटवारी गजेंद्र सिंह ने जमीन के एक मामले में फरियादी चंदन सिंह लोधी से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। चंदन सिंह लोधी ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त जबलपुर से की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और मौके पर पहुंचकर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लेकिन पटवारी गजेंद्र सिंह ने कार्रवाई के डर से रिश्वत में मिले 500-500 रुपए के नोटों को मुंह में डालकर चबा लिया। लोकायुक्त की टीम ने नोटों को निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से रुपए नहीं निकाले। टीम ने पटवारी को अस्पताल में ले जाकर नोट निकलवाए। इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। लोकायुक्त की टीम का नेतृत्व कर रहे कमल सिंह उइके ने कहा कि शिकायतकर्ता चंदन लोधी की शिकायत के आधार पर दबिश देकर रिश्वतखोर पटवारी गजेंद्र सिंह को 5,000 रुपए के साथ पकड़ा गया था, लेकिन वो टीम को देखकर नोट खा गया। हालांकि टीम के पास वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ अन्य सबूत भी हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उसे नष्ट करने की कोशिश की। उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया, तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।